तो ये हम जो टोस्टर है, ये सैंडविच मेकर है, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। इसको हम खोल लेते हैं एक बार अच्छे से। ये मैंने अमेज़न से मंगाया है। अगर आपको भी ये पसंद आएगा तो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सबसे पहले निकलता है ये पेपर। इसके अंदर जैसे हम खोलते हैं देखते हैं ये क्या है। यस, ये अमेज़न का बिल है और आप यहाँ देख सकते हैं ये इसकी कॉस्ट है 1200 रुपीस। तो इसके अंदर एक और बॉक्स है, बहुत अच्छे से इन्होंने ये पैकिंग की है। इसको निकाल लेते हैं इसके अंदर से। तो ये बॉक्स निकला है इसके अंदर से, आप इसमें देख सकते हैं डिलीशियस सैंडविच क्विक एंड इजी कैसे बनाना है। मॉडल का नंबर ये है, यानी बहुत सारे इनके डिजाइन्स आते हैं। ये यूनिक डिजाइन लिखकर मॉडल नंबर है BZMFD01। यानी अगर आपको ये कभी मंगाना है तो ये इसका मॉडल नंबर है। ड्यूरेबल डाई कास्ट एल्यूमिनियम ग्रिल प्लेट्स हैं इसकी, हीट रेजिस्टेंस है, बैकेलाइट बॉडी है, नॉन स्टिक कोटिंग है फॉर ऑयल फ्री टोस्टिंग। यानी अगर आपको नॉन स्टिक में इसमें बनाना है ऑयल फ्री, तो ये देखिए इसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। इधर मैं चारों तरफ से ये बॉक्स दिखा देती हूँ, इसमें सैंडविच कैसे बन रहे हैं उस तरीके से एक फोटो दिया हुआ है। और इधर भी ये इसको ओपन करके दिखाया हुआ है, इसके पावर इंडिकेटर है। तो आइए इसको खोलते हैं। तो ये अब हम इसके अंदर से इसको निकालते हैं। बहुत अच्छे से पैक किया हुआ है, थर्माकोल के अंदर है। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो आप जरूर, वैसे भी आप वीडियोग्राफी कीजिए ताकि अगर कोई पीस आपका कहीं से डैमेज है तो वो आप वीडियो के साथ आप उसको भेज सकें। तो ये देखिए बहुत खूबसूरत सा टोस्टर, कलर बहुत सुंदर है। ये दो इंडिकेटर हैं इसके, एक रेड इंडिकेटर है, एक ग्रीन इंडिकेटर है। और ये इसकी वायर है, वायर थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे, तो चेक कर लेते हैं, खोलकर चेक कर लेते हैं इसको। यस, ये वायर थोड़ा छोटा है, वायर करीब 1 मीटर ही है। तो आपको इसको बिल्कुल उसके पास सेट करना पड़ेगा। ये इसका लॉकिंग सिस्टम है। और ये देखिए बहुत अच्छे से अंदर भी इन्होंने ये पेपर लगाया हुआ है। ये प्लेट्स हैं इसकी, बहुत स्मूथ हैं। और तो ये देखिए बहुत अच्छा ये है। ये इसके अंदर से निकला है इसका यूजर एंड मैनुअल, इसके मॉडल नंबर है और जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें दी हुई हैं, जैसे कैसे आपको यूज करना है और क्या क्या इसके बटन्स के नेम हैं। जैसे इंडिकेटर लैंप मैंने आपको पहले बताए हैं, ये इसकी बॉडी है, पावर कॉर्ड है, हैंडल है, लॉक सिस्टम मैंने आपको दिखाया है। और मैं आपको सैंडविच बनाकर आपको दिखाती हूँ ये हाउ टू यूज योर प्रेस सैंडविच टोस्टर, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। तो बहुत आसान है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसमें सैंडविच बनाना। तो ये देखिए हमने टोस्टर जो है वो ऐसे साफ कर लिया है, पहले कपड़े से अच्छे से, गीले कपड़े से हल्का गीला लगाया है, साफ किया है। और अब प्लग इसका ऑन करते हैं। इसको हमें प्री हीट करना पड़ेगा, यानी थोड़ा पहले गर्म करना पड़ेगा। ये देखिए आप, रेड इंडिकेटर इसका जल गया है और जब तक ये ग्रीन इंडिकेटर जलता है तब तक हम इसको प्री हीट होने देंगे। तब तक मैं एक अच्छे से सैंडविच की रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए हमने लिए हैं ये होल व्हीट ब्रेड, 4 पीस लिए हैं। आप कोई भी ब्रेड यूज कर सकते हैं, व्हाइट लेना है, मल्टीग्रेन लेना है, एनी ब्रेड। ये है चाट मसाला, हमने कुकुम्बर खीरा उसके स्लाइस कर लिए हैं छील के फ्रेश, और फ्रेश ही हमने एक टमाटर लिया है जिसके भी हमने बहुत पतले स्लाइस कर लिए हैं। बटर है, रूम टेम्परेचर पर लेना है। हरी चटनी की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, वो है। और ये थोड़ी सॉस है, आप इमली की चटनी भी यूज कर सकते हैं, नमक है।
तो सबसे पहले तो हल्का सा हम इस पे नमक जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे, उसके बाद बस हम केवल चाट मसाला डालेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। तो सबसे पहले लेंगे हम ब्रेड स्लाइस, इस पर लगाएंगे हम बटर, अंदर की तरफ बहुत पतली सी लेयर लगाएंगे, बहुत ज़्यादा थिक लेयर नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे क्या है जब हम चटनी फैलाते हैं ना उसके ऊपर तो वो ब्रेड सॉगी नहीं होती है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। हम लगाते हैं कभी कभी बटर के बिना भी चटनी सीधा लगा लेते हैं। ये देखिए ग्रीन लाइट भी इसकी जलनी शुरू हो गई है, तो मैं बीच में आपको ये दिखा रही हूँ कि ये रेडी है अब हमारा सैंडविच रखने के लिए। तो ये लग गया है बटर, इस पर हम लगाएंगे हरी चटनी जो घर की बनी हुई हरी चटनी है। और देखिए लॉकडाउन का टाइम है, आप जो है बहुत ध्यान से घर का ही खाइए, साफ सुथरा खाइए और कोशिश कीजिए कि हल्का खाइए, हैवी आप ना लें कुछ भी, क्योंकि अभी डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हेल्दी खाइए। तो ये चटनी हमने देखी कितने अच्छे से स्प्रेड कर ली है। अब हम दूसरा पीस लेंगे, इसको उधर रख देंगे, दूसरा पीस लेंगे, इस पर भी सेम हम बटर लगाएंगे हल्का सा, बाहर से आप बटर के बिना घी से भी सेक सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और अब हम इसमें लेंगे ये टोमेटो केचप, इसको स्प्रेड करेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज्यादा लगा सकते हैं, दोनों चटनी का और सॉस का इसमें टेस्ट आने वाला है। अब हम जिधर हमने टोमेटो लगाया है, जिधर हमने टोमेटो केचप लगाया है उधर हम स्लाइस लगा रहे हैं टमाटर के, और हरी चटनी वाले पे हम लगाएंगे स्लाइस कुकुम्बर के। पतले पतले पीस कीजिएगा ताकि वो ज्यादा मोटे ना दिखें, और इनको आपस में ऐसे कर देंगे मिक्स। और अब इसके ऊपर लगाएंगे हम घी, ये हल्का सा हम इस पे लगाएंगे घी और इसको इधर से हम ऐसे करके रख देंगे, और ऊपर भी हम लगाएंगे हल्का सा घी, बहुत हल्का लगाएं। आप इसको नॉनस्टिक है बिना घी लगाए भी कर सकते हैं। और ये हम टोस्टर को करेंगे बंद और वेट करते हैं इसके सिकने का। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ये देखिए बहुत अच्छा ये क्रिस्पी होना शुरू हो गया है, दोनों तरफ से हम इसको चेक कर लेते हैं, यस बहुत ही बढ़िया सैंडविच बना है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और दूसरा लगाते हैं। दूसरा सैंडविच भी हमने तैयार कर लिया है, पहले में मैंने चाट मसाला नहीं डाला था, मैं भूल गई थी, नमक डाला है। अब इसके ऊपर आपको हल्का हल्का ये चाट मसाला स्प्रिंकल करना है, इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। आप ऊपर से भी स्प्रिंकल करके, सैंडविच बन गया है भूल गए हैं तो ऊपर से भी स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। तो ये भी हम इसको भी सिकने के लिए रखते हैं और इसको भी कर देंगे हम बंद और चेक करते हैं एक दो मिनट के बाद। अब हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए तैयार है, इसको ऑफ कर देते हैं। यहां आपको मैं बताऊं, आपको अपने आप चेक करना पड़ेगा, इसमें कोई लाइट इंडिकेटर नहीं है कि आपका सिक गया है, तो थोड़े देर में ही आपको एक दो बनाने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि क्या टाइमिंग्स इसमें लगते हैं और कैसे ये बनता है। तो आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए हमने इनको कट कर लिया है सैंडविच को, ये देख सकते हैं आप, एक हरी लाइन है एक लाल लाइन है, और बहुत ही मजेदार ये सैंडविच बनकर तैयार हैं। आप जरूर ट्राई कीजिएगा, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। ये देखिए हमारे यम्मी से लगने वाले सैंडविच बनकर तैयार हैं, और ये स्माइल है, खाइए स्माइल कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि ये जो टोस्टर है उसको क्लीन कैसे करना है, बस आप ये कपड़े से ऐसे साफ कीजिए, स्विच ऑफ कर दें ऊपर से अच्छे से, ऐसे साफ कर दें और थोड़ी देर जब तक ये ठंडा हो खुला रहने दें। तो आपको मैंने टोस्टर का रिव्यू
अनबॉक्सिंग और एक बढ़िया से सैंडविच की रेसिपी शेयर की है। बताइएगा आपको पसंद आई तो मैं और ऐसी वीडियोस लेकर आपके पास आती रहूंगी। थैंक यू सो मच।